हेलो गाइस, माय नेम इज विशाल कुमार एंड आज हम बात करेंगे IBPS RRPO एंड क्लर्क मेंस के जीके सेक्शन के बारे में। जीके सेक्शन में मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक एंड करंट अफेयर। इस वीडियो में हम बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। आप इस 50 क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाएँ एंड यू श्योरली गेट बेनिफिट ड्यूरिंग एग्जाम। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, आपका बैंक आपके द्वार इज अ टैगलाइन ऑफ विच बैंक? एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक या वोडाफोन एम पैसे? इसका आंसर होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। प्रिपरेशन के दौरान आप उस नेशनलाइज बैंक, स्मॉल पेमेंट बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक, इन तीनों के हेडक्वार्टर्स, टैगलाइन एंड सीईओ अच्छे से याद करके जाए। इनमें से डेफिनेटली दो से तीन क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक? इन चार पेमेंट बैंक में से कौन से दो का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है? आप इनको अच्छे से याद करके जाएं, इन सब के हेडक्वार्टर, तो आप ऐसे क्वेश्चनों का जवाब इजीली दे पाएंगे। इसका आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट क्या है आजकल इंडिया में? तो रिवर्स रेपो रेट जो आजकल है वो है 6% एंड रेपो रेट है 6.25%। MSF रेट हैज़ बीन रेज टू विच? फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए MSF की फुल फॉर्म क्या होती है। कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं MSF में से एस क्या होता है। एस स्टैंड फॉर वर्ट, तो इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड MSF रेट आजकल इंडिया में है 6.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI एंड CEO ऑफ IDBI बैंक? इनमें से कौन सा है जो अभी RBI का डेप्यूटी गवर्नर बना है? RBI में चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और जो अभी लेटेस्ट बना है उसका नाम है MK जैन, और जो चार अभी करंटली हैं उनका नाम क्या है? SS मुंद्रा, वायराचार्य, MK जैन एंड विश्वनाथन। इनको आप अच्छे से याद करके जाएं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लोकेटेड मोस्ट ऑफ इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटीज एट द शोर्ड सर्विस सेंटर एट द गिफ्ट सिटी नियर अहमदाबाद? सबसे पहले तो हमें गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, गिफ्ट क्या होता है। गिफ्ट स्टैंड फॉर गुजरात इंटरनेशनल फिनोटेक, ओके, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल या फिनोटेक सिटी होती है। अब गुजरात में कौन से बैंक का हेडक्वार्टर है? हम सबको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है गुजरात में, इसलिए इसका आंसर गुजरात बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बीन इम्प्लेंटेड एज अ सेटलमेंट बैंक बाय NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है। इनमें से कौन सा बैंक को सेटलमेंट बैंक की उपाधि मिल चुकी है? उसका आंसर है येस बैंक। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF? ये इजी क्वेश्चन है। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? Washington DC, ओके। वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों का हेडक्वार्टर है Washington DC। हेडक्वार्टर सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी मैंने वही आपको बताया था, स्मॉल पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक, इन सब के हेडक्वार्टर में अच्छे से याद होने चाहिए। तो सूर्य उदय कहाँ है? नवी मुंबई। इसको इस तरीके से याद किए, लोग मुंबई में अपना करियर बनाने जाते हैं, अपना सूर्य उगाने जाते हैं ना, तो इस तरीके से सूर्य उदय का कहाँ होगा हेडक्वार्टर? नवी मुंबई। हेडक्वार्टर ऑफ इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केरला, चेन्नई। अब ये देखो, इक्विटस होता है इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे मान लो बिल्कुल, तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग में इमेज बनाओ, इक्वेटर के नीचे केरला मान लो, तो इस तरीके इसको हम याद कर सकते हैं। याद करने की टेक्निक होती है सबकी अलग अलग, तो मैंने इस तरीके से याद किया था। आप ये याद रखें से सबके ना, स्मॉल पेमेंट बैंक का क्या होता है। वट इज़ द पर्पस बिहाइंड क्रॉस सेलिंग बाय बैंक? बैंक आजकल एक नई चीज़ करता है क्रॉस सेलिंग, उसका पर्पस क्या होता है? इसको आप याद करें, इसके लिए होता है फी रिसीव्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की फुल फॉर्म हम सबको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्या होती है? मुद्रा स्टैंड फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसमें से कुछ ही फूकता है, मुद्रा में आर क्या होता है, यू क्या होता है, डी क्या होता है, पूरी फुल फॉर्म आजकल कोई नहीं पूछता है, एक वर्ड उठा लेंगे उसकी फुल फॉर्म पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ NPCI? फर्स्ट ऑफ ऑल NPCI होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर। NPCI स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट है, वट इज बी स्टैंड फॉर APBS? अब APBS क्या होता है? फुल फॉर्म्स तो जरूर आएंगे और जिस जो इस वीडियो में फुल फॉर्म है आप उनको अच्छे से करके जाएं। इनमें से मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। अब APBS की फुल फॉर्म क्या होती है? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ओके। अब इसमें से फिर हो सकते हैं पी क्या होता है? पेमेंट, बी क्या होता है? ब्रिज, एस सिस्टम, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ फिनो पेमेंट बैंक, अब फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। जियो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ये पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर, स्मॉल पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर याद करके जाएं, इनमें से पक्का आपको दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। PCA तो हमें पता ही है, आजकल मैक्सिमम बैंक पे लगा हुआ है, तो उसकी फुल फॉर्म भी सबको पता होगी, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो पी क्या होता है इसमें? प्रॉम्प्ट। नेम द बैंक विच हैज एक्वायर्ड HDFC बैंक। अभी HDFC बैंक को एक
विच हैज एक्वायर्ड बाय एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने एक बैंक को एक्वायर किया, वो कौन सा बैंक है? सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। ये भी अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आ सकता है। आईसीओ क्या होता है? वट इज सी स्टैंड फॉर आईसीओ? आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, हम सबको पता है इसके बारे में। तो इसमें सी क्या होता है? कॉइन। एनएफएसएस क्या होता है? एनएफएसएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इट इज रन बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमआईडी इज यूज फॉर। एमएमआईडी अगर किसी को इसकी फुल फॉर्म पता है तो हम सब बता देंगे एमएमआईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उससे इसका आंसर आ जाएगा। एमएमआईडी इज यूज फॉर मोबाइल बैंकिंग। हेडक्वार्टर ऑफ कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जालंधर पंजाब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक अलाउ रुपए कॉरपोरेशन बैंक टू कंटिन्यू सर्विस अंडर रिस्ट्रिक्शन टिल अगस्त 31। अब अगर कोई भी बैंक को इंडिया में सर्विस करनी है तो उसको सिर्फ एक ही बैंक है जो अलाउ करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर उसने कहा करेगा तो कोई बैंक इंडिया में चल सकता है, वरना कोई बैंक इंडिया में काम नहीं कर सकता। ओके अब रुपए कॉरपोरेशन, ये लेटेस्ट करंट अफेयर के ऊपर है, तो इसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। रुपए कॉरपोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन रुपए कॉरपोरेशन बैंक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ में रहे, तो बैंकिंग के क्वेश्चन भी मेनली वो आते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, पर ये फिक्स नहीं है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप ये जरूर करके जाएँ। वो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट रेपो रेट इंडिया में क्या है? 6.25% हम सबको पता है। ओके और सीआरआर क्या है? सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो इंडिया में अभी क्या है? 4%। एसएलआर 19.25%। ये सब याद करके जाए अच्छे से। अच्छा, द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च आशा किरण। आशा किरण को अभी किसने लॉन्च किया है? टू इम्पावर वुमेन इन इंडिया, पेमेंट बैंक ने। ओके पेटीएम पेमेंट बैंक। अब ये भी पूछ सकते हैं आशा किरण जो लॉन्च किया उसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है टू इम्पावर वुमेन्स इन इंडिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एमडी सीईओ ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक। ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अभी नया बना है, ठीक है ना? पहले पहले क्या था? शशि अरोड़ा, अभी नया बन के हुआ है अनुव्रता विश्वास, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये पहला फाइनेंशियल ऑफिसर है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि अभी कौन बना है जो फर्स्ट बना है। इसका नाम है सुधा बालकृष्ण। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट जो हुआ था एसबीआई क्लर्क उसमें भी क्वेश्चन आया था, तो इसमें भी आने के पूरे पूरे चांस हैं। हाउ मेनी डिजिट इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में कितने डिजिट होती है? 12 डिजिट। एमएमआईडी, फर्स्ट ऑफ ऑल एमएमआईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। कितने डिजिट का होता है? 7 डिजिट का होता है। अब इसने पूछा इसका काम क्या होता है और इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या काम करती है? लास्ट 3 डिजिट जो होती है वो अकाउंट टू आइडेंटिफाई द अकाउंट ऑफ अ यूजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसआर कोड क्या होता है और उसमें कितने डिजिट होती हैं? बीएसआर कोड का मतलब होता है बेसिक स्टैटिकल रिटर्न। कितने डिजिट होती हैं? 7। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विफ्ट में कितने डिजिट होती हैं? 8, 11 या बोथ? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, स्विफ्ट कैन बी, स्विफ्ट में 8 भी डिजिट हो सकती हैं, 11 भी हो सकती हैं। अब स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ओके एंड इसमें पूछा है स्विफ्ट क्या जो होती हैं 11 डिजिट वो कैसी होती हैं? अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमरिक या डिजिटल कोड? अल्फा न्यूमरिक मतलब उसमें नंबर भी हैं अल्फ़ाबेट भी हैं। ओके और स्विफ्ट काम क्या आता है? स्विफ्ट काम का आता है इंटर कंट्री अगर हमें कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं तो स्विफ्ट कोड यूज़ होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरा की फुल फॉर्म क्या है? फेरा स्टैंड फॉर FERA। FERA में ए क्या होता है? इसमें ये पूछा है तो ए का मतलब होता है एक्ट। ओके और NFS, NFS में एफ क्या होता है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एफ मतलब फाइनेंशियल। ECB में बी की फुल फॉर्म क्या होती है? इनिशियल कमर्शियल बोरोइंग। ओके फुल फॉर्म बहुत है पर मैं कहूँगा जो इस वीडियो में फुल फॉर्म है आप उनको जरूर करके जाए, फुल फॉर्म की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन की फुल फॉर्म होती है पर मैंने इस वीडियो में से वो डाली है जिनकी इंपॉर्टेंट है। ओके पेमेंट बैंक में FDI की लिमिट क्या है? 74%। ओके और सेम प्राइवेट बैंक में क्या है? 74%। हाउ मच मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नीड्स टू होल्ड इनिशियली फॉर पेमेंट बैंक? अगर पेमेंट बैंक को स्टार्ट होना है उसकी इनिशियल क्या होनी चाहिए? 100 करोड़। और वहीं NBFC के लिए कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़। ये अच्छे से याद करके जाए। वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पेमेंट बैंक? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पेमेंट पेटीएम बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा में। सेबी कब फॉर्म हुआ था? सेबी वॉज फॉर्म इन 1988 एंड सिडबी 1990। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, नबार्ड का फॉर्म हुआ था, सीडबी का फॉर्म हुआ था, सिडबी का फॉर्म हुआ था, आरबीआई का फॉर्म हुआ था,
एनएफए नेशनल हाउस से बैंकिंग का फॉर्म होता है, इन सबको अच्छे से याद करके जाए, इन सब की ना फॉर्म डेट। टेड अप कैपिटल ऑफ एनपीसीआई, एनपीसीआई को स्टार्ट होने में कितना चाहिए, 100 करोड़ उसके पास होना चाहिए इनिशियल कैपिटल, टेड अप कैपिटल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी कैन नॉट बी प्रोवाइड बाई पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक जब कोई खुलवाता है उसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 1 लाख। अब किसी के अकाउंट में अगर मैक्सिमम लिमिट 1 लाख की है तो उससे वो तो ये फिक्स है कि वो क्रेडिट कार्ड दे ही नहीं सकता, इसलिए पेमेंट बैंक में क्या अलाउड नहीं है, क्रेडिट कार्ड। ये क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो में, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाएं, आपको एग्जाम में ज़रूर बेनिफिट होगा। अगली वीडियो में मैं आपको स्टैटिक क्वेश्चन दूंगा आर आर पी ओ मेन्स और क्लर्क के ऊपर। दोस्तों मान रहा हूँ वीडियो में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, मेरे बोलने के तरीके से कुछ मिस्टेक कर पा रहा हूँ मैं, पर ये वीडियो आप जरूर करके जाएं, क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाएं और आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको इस बात को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।